ऑल द मेंबर्स, वी आर रियली हैप्पी कि आप सभी के घर में बहुत अच्छा खुशी का माहौल होगा। मैं आप सभी को हैप्पी दिवाली विश करती हूँ। माय नेम इज डॉक्टर योगिनी साई। मैं एक पेरेंटिंग कोच हूँ, टैरो रीडर हूँ और रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। एंड हम इस वीडियो में आप सभी की हेल्प करेंगे कि आप इस दिवाली को कैसे स्पेशल बनाओगे। आई एम श्योर सब लोग इस वीडियो के बाद इस बार दिवाली को बहुत ही स्पेशल बनाने वाले हैं। ये मेरा और सानवी का वादा है। मेरा नाम सानवी है, मैं एक यूट्यूबर हूँ। हम दोनों आज आप सभी के साथ बहुत सारी आइडिया शेयर करेंगे। हम जरूर चाहेंगे कि ये आइडिया आप सिर्फ आप तक ही ना रखे, आप जरूर आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बिकॉज इतना प्यारा गिफ्ट आपने इसके पहले आपके फ्रेंड को नहीं दिया होगा। ये इसी प्रॉमिस के साथ मैं और सानवी आपको कुछ शेयरिंग करेंगे कि इस दिवाली को बहुत वंडरफुल कैसे बनाए। क्यों सानवी? हाँ जरूर। जैसे सबको ही पता है कि दिवाली में हम बहुत स्वीट खाना पसंद करते हैं, पटाखे पसंद करते हैं, नए कपड़े, क्यों नहीं हम इस दिवाली में कुछ स्पेशल करें। सानवी आपका क्या कहना है, कैसे पटाखे उड़ाने चाहिए? हमें ग्रीन क्रैकर्स उड़ाने चाहिए। और मैं आपसे अभी एक ऐसा आइडिया शेयर करूंगी, जो है पेपर पटाखा। वो बहुत आवाज भी करता है और बहुत मजा भी आता है। तो लेट्स स्टार्ट। हैप्पी दिवाली। Now, what happened in this? सबसे इम्पोर्टेंट, हम हमारे इन्वायरमेंट को बिल्कुल भी हार्म नहीं कर रहे। और मेरा और सानवी का एक बहुत प्यारा आइडिया, जब आपके घर में आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड आपको हैप्पी दिवाली करने आएंगे, तो प्लीज ऐसे पेपर्स आप रेडी रखिए, उनको उसका फोल्ड सिखाइए जो सानवी उसकी वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली है। और होगा क्या, आप इस पटाखे के साथ सब लोग मिलके जोर से कहिए हैप्पी दिवाली और ये पटाखे बजाइए। अचानक से किसी के पीछे से जाके आप ये पेपर पटाखा लेके जोर से आवाज कर सकते हैं। क्यों नहीं हम इन सब चीजों में एक हैप्पीनेस को ज्यादा फील करें। दिवाली में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, सबके साथ मिलके खुशियां मनाना। यस। तो क्या लगता है, ये आइडिया आप सभी को पसंद आएगा? आई एम श्योर इस वीडियो को सब लोग सुनते सुनते वैसे भी एक्साइटेड हो रहे होंगे। और क्यों नहीं इस पटाखे को छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक हर कोई सीख सकता है। और आप ये पटाखा बनाना एक्सपर्टी के साथ बहुत ही इजीली सानवी के साथ सीखने वाले हो। तो चलो इंजॉय करते हैं और सानवी से सीखते हैं कि कैसे बनाए पेपर पटाखा। यस सानवी। यस। हेलो फ्रेंड्स, I am Sanvi. Welcome to Sanvi's Learning Hub. So today, I will show you how to make a green Diwali with our family and happiness. So first of all, I am going to show you how to make paper fataka, paper cracker. You need a A4 sheet. So it is also a green cracker, you can call it as, because this is a paper. Only paper is used for it and it makes a loud noise. So I will show you. Most of the people would know this. So let me show it which people don't know and how can we make green Diwali from. So let me show how to make. First we have a A4 sheet. So to take the A4 sheet and do this fold, the standing fold like this. Not like this, so you have to do it in this way. Then you have to open the paper and fold it again till the line. So when you fold it till the line, be careful that it don't get messed up. It be in the line like this. Then you have to fold it again. So after you fold this again, you have to again do the two folds. Like I will show how. You have this fold, you got this fold. You have to do this two folds again. This and this. So I will unfold it to show you what are the steps we followed. So first we fold it into half. First we fold this into half and then we again fold it into half and then we did two folds again like this. So we made till here, then we will do it like this and then we will open it. So we will
ready to hear the noise. So it was so. So after using that, you have to fold it again and then use it. And this is the way you can also spend Green Diwali. And for seeing one more video with my mom. आप सभी के साथ ये शेयर करके मुझे और सानवी को तो बहुत खुशी हो रही है, बिकॉज मेरा और सानवी का मोटो बहुत ही अच्छा है कि हमें आप सभी के साथ इतनी सारी खुशियां शेयर करनी है कि आप हमारे इस आइडिया के साथ आपकी दिवाली को स्पेशल बनाएं और आप जरूर इस टाइम मुझे और सानवी को याद करें। तो चलो एक बहुत ही वंडरफुल और एक आइडिया आप सभी के साथ मैं और सानवी शेयर कर रहे, तो चलो सानवी क्यों नहीं एक बहुत प्यारी आइडिया और शेयर कर दी जाए। हमें दिवाली में फैमिली टाइम तो स्पेंड करना ही चाहिए, तो फैमिली के लिए एक प्यारा सा डांस गेम, उसमें मैं हम दोनों आपको अभी 5 डांस स्टेप्स बताएंगे और उसे गेम। चलो फिर बताते हैं। यस, तो करना क्या है, हम ये जो सॉन्ग है इसकी लिंक तो आपके साथ शेयर कर देंगे, बट देखो आपको डांस आता है या नहीं आता है, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम है नहीं सानवी, ये तो बहुत अच्छे से हर कोई कर सकता है, आपके घर के नाना नानी दादा दादी सब लोग। तो प्लीज ध्यान रखिए, जब आपके घर में मेहमान भी आए, आपके रिलेटिव आए, आपके फ्रेंड्स आए, आप उनको स्वीट डिश देने के पहले ये जरूर कराइए। तो करना क्या है, नंबर 1 पे बता देते हैं। तो देखो ये गेम है, ये 1, 2, 3, 4, 5 नंबर से जुड़ा है, तो जब नंबर 1 आपका हो गया तो उनको स्पेसिफिक स्टेप करनी है और वो बहुत ही प्यारी है। कैसी है ये नंबर 1? फुलझड़ी, जैसे कि हम फुलझड़ी दोनों हाथों में लेके घुमा रहे हैं। एग्जैक्टली, तो हैप्पी दिवाली करना है, तो आप जैसे कमांड दोगे नंबर 1 तो सबने मिलके ये फुलझड़ी वाला एक्शन करना है। तो देखो ये वाला तो पहले आप समझ लो, फिर हम मिलके करेंगे। सासी नंबर 2 पे क्या करना है? स्टेप नंबर 2, इट्स यस, स्टेप नंबर 2 जैसे कि हमें देना है एक दूसरे का हाथ, एक दूसरे के हाथ में, फिर आप एक सर्कल बनाओ या पैर बनाओ, बट ये खुशी वाला माहौल जो मिल के स्ट्रेंथ मिलती है ना, इसको फील करना है। तो नंबर 2 आप ऐसे ऐसे अपने पार्टनर के साथ या ग्रुप में सर्कल बना दीजिए। नाउ स्टेप नंबर 3, बहुत अमेजिंग, छोटे से लेके बड़ों तक अभी जो भी है उनको ये स्टेप बहुत अच्छे से पता होगी। व्हाट्स इट, रोली पोली, और इसमें तो स्माइल तो बनता है, तो थोड़ा सा रोली पोली करना है आपको। What's step number 4? Yes, you know step number 4, क्योंकि दिवाली में हमें पावर मिलती है, बहुत सारी पावर, बिकॉज पूरे दुनिया में सब लोग हैप्पी है, सेलिब्रेशन के मूड में है, तो हम इस एनवायरमेंट में बहुत हैप्पीनेस को रिसीव करते हैं। एक बहुत ही प्यारा हैप्पीनेस आप तक पहुंचना है तो इसको पावर बनाना जरूरी है, तो हाथों की मस्त मुठिया बनाना है एंड इस पावर को एस एंजॉय करना है, जस्ट एंजॉय। तो नंबर 4 इज पावर, एक्सरसाइज पावर, बस हाथों को ऊपर नीचे करिए। 5 नंबर स्टेप बहुत अमेजिंग है, उसमें जैसे कि बड़े हमारे घर आते हैं, हम हमारे बड़ों के घर जाते हैं, जैसे हम उनको नमस्ते करते हैं, तो 5th स्टेप उससे ही रिलेटेड है, तो दिखाए। यस, इट इज लाइक कि बस ब्लेसिंग रिसीव करना है कुछ ऐसे। तो देखो हम एक बहुत ही वंडरफुल सॉन्ग के साथ करेंगे और हमारा एक बहुत प्यारा आइडिया, जरूरी नहीं है आप हर बार 1, 2, 3, 4, 5 कमांड दो, क्यों सानवी, आप बीच में नंबर चेंज करके कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हो, तो किसी भी एक को होस्ट करना है और आपके पास आपके फैमिली मेंबर का ध्यान रहेगा, आप अचानक से 4 बोलोगे तो उनको 4 नंबर के बारे में पहले सोचना है, फिर वो स्टेप करना है, नंबर 2 बोलोगे तब वो स्टेप करना है। तो चलो फास्ट रिकॉल कर लेता है, नंबर 1 स्टेप था हैप्पी दिवाली जैसे फुलझड़ी है, नंबर 2 था 7 वाला पावर, नंबर 3 था रोली पोली, नंबर 4 था जहाँ पे हमें पावर चाहिए, एंड नंबर 5 विद ब्लेसिंग। तो चलो एंजॉय करते हैं इसी सॉन्ग के साथ। आर यू रेडी?
नंबर टू एंड अभी स्पीड बढ़ा के सॉन्ग को एंजॉय करोगे अब इसके बाद एंड सेम मेथड के साथ जस्ट गिव द कमांड विद द नंबर्स यस सांडी नंबर वन बाद हमारे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कैसे लगा एंड प्लीज ऐसा प्यारा गिफ्ट और नहीं हो सकता तो इस वीडियो को आपके पूरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए क्यों सानवी बड़े छोटे सब बिकॉज जब आप मुझे ऐसा वीडियो सेंड करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं भी चाहूंगी कि मैं भी मेरे फ्रेंड्स के साथ ऐसी दिवाली मनाऊं राइट तो वैसे तो ये एक बहुत प्यारी अपॉर्चुनिटी है कि हम बहुत ही शॉर्ट और बट बहुत ही प्यारा गिफ्ट दे सकते हैं तो ऐसे शेयरिंग के साथ जरूर आप इंजॉय तो करिए बट आप जरूर आपकी एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करोगे हमें बहुत अच्छा लगेगा और लास्ट आइडिया एक्चुअल हम इसमें आपके साथ बहुत ही प्यारा शेयरिंग ये करना चाहते हैं कि दिवाली में रंगोली तो बहुत ही सबको फेवरेट लगती है राइट नए कपड़े भी अच्छे लगते हैं खाने में नए नए डिश भी अच्छे लगते हैं लाइक सानवी को तो वैसे बहुत सारी डिशेज खाने में पसंद है और बनाने के लिए भी पसंद है तो देखो इसमें हमारा आइडिया क्या है दिवाली में जब इतनी सब चीजें हम करते हैं तो एक छोटी सी चीज उसमें ऐड करना और वो है आपका हैप्पीनेस जैसे कि दिवाली में इतने सारे सेलिब्रेशंस हम करते हैं खाने में कपड़े पहनने में सराउंडिंग में और इसको आपको एक बहुत ही प्यारे वे में कनेक्ट करना है तो वो और कुछ नहीं आपका हैप्पीनेस है तो प्लीज इस हैप्पीनेस के साथ आप रंगोली बनाइए रंगोली में अपना बेस्ट दीजिए घर में सबके साथ खुशियां बांटिए ये दिवाली आपकी बहुत ही स्पेशल रहेगी एंड सबसे इम्पोर्टेंट दिवाली में जब हम इतने सारे लोगों के साथ मिलते हैं तो हमें ये खुशियां बांटने का एक बहुत ही प्यारा त्यौहार है एंड मैं जरूर चाहूंगी कि किसी ने कभी आपको हर्ट किया हो या कभी आपके आप पे गुस्सा किया हो तो क्या लगता है सानवी क्या करना चाहिए इस दिवाली पे इन लोगों ने तो दिवाली का एक बहुत ही प्यारा सेलिब्रेशन का सेंटर ऑफ आइडिया ये भी है कि अभी तक जो भी हुआ उसको माफ कर दो भूल जाइए एक हैप्पीनेस के साथ जुड़ जाइए अपना बेस्ट दीजिए खुशी के साथ रहिए खुशियां बांटे और इसमें ही प्यारी दिवाली हम मना सकते हैं तो हम दोनों बहुत ही हैप्पी हैं आप सभी के साथ ये शेयरिंग करके क्यों क्योंकि हम आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहे हैं यानी हमने आपको हमारी फैमिली में कनेक्ट किया तो रियली रियली हैप्पी कि एज अ फैमिली मेंबर हम आप सभी के साथ हमारी आइडिया शेयर कर पाए एंड आई एम श्योर कि आप सब लोग इसमें अपना बेस्ट दोगे क्यों लगता है आपको सानवी कि हम अपना मैसेज पहुंचा पाए Yes! और ये सब लोग पक्का इस सब प्यारे वे में दिवाली सेलिब्रेट करेंगे Yes! मुझे लग रहा है सब ग्रीन दिवाली इस टाइम सेलिब्रेट करेंगे Exactly! और what about दिवाली डांस जो हमने एज अ गेम सिखाया First step! पक्का कर लेंगे एंड हमारा सबसे प्यारा जो शेयरिंग था कि प्लीज जो भी कुछ हुआ अच्छा है उसको आप याद रखो बट जो बुरा है उसको अपने एनवायरमेंट को संभालते हुए अपने फैमिली में खुशियां बांटी है दिवाली को स्पेशल बनाई है वी आर रियली हैप्पी तो ये हमारा बहुत प्यारा स्टेप है तो सबको हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली